गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम लोग जो है क्यूबॉइड एपिथेलियम पढ़ चुके हैं और हम लोग ये लास्ट हमारा था क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू का लास्ट पार्ट था। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था चार टाइप के एनिमल टिश्यू हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और आपका जो है नर्वस टिश्यू। तो अभी हम लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। ये सबसे लेंदी जो है टिश्यू है एनिमल टिश्यू में, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट बाय रिकैप्चुलेटिंग योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में बेटा आपने पढ़ा था कि जो सेल्स आपके होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपके सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के। और इसका जो मेन फंक्शन था वो एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में आपने देखा था कि ये जो है सबका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जो ये रेटिना में होता है और वहाँ पे इसका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट। यस, एब्जॉर्ब जो लाइट, नॉट सनलाइट, टू एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, और इसके अलावा जो है बेटा ये आपके और भी जो माइक्रोविलाई हैं किडनी ट्यूबल्स में, ठीक है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका मेन जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन से होता है। और साथ में जो आपके जो सिक्रीशन भी होता है और इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी होता है। मॉडिफिकेशन के बाद मैंने बताया था कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बनते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे बनते हैं बेटा, दे आर फॉर्म्ड व्हेन योर एपिथेलियम टिश्यू इज सम ऑफ द पोर्शन इज फोल्डेड। दे आर मल्टी लेयर्ड मल्टी सेलुलर टिश्यू। तो इसका लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सो बेटा इन कनेक्टिव टिश्यू द नेम सजेस्ट व्हाट टाइम। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मेनली जो इनका फंक्शन होगा ये कनेक्शन से होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू में होता है वो होता है मैट्रिक्स। जिस तरह का आपका मैट्रिक्स होगा वो जो टिश्यू होंगे उनका फंक्शन ये मैट्रिक्स ही डिसाइड करते हैं बेटा। तो चलिए बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की। तो सेल जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि ये जो मेनली ये क्या है ना, ये मूवमेंट पे इनका डिपेंडेंस होता है। दे हेल्प इन मेनली मूवमेंट्स। तो जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं और लार्ज साइज होते हैं, और उनके बीच में चूँकि लूजली अरेंज हो गए तो देर विल बी लॉट ऑफ इंटर सेलुलर स्पेसेस। तो लार्ज साइज इंटर सेलुलर स्पेसेस होते हैं इनमें, और ये जो स्पेसेस हैं दे आर फिल्ड विथ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हार्ड होगा तो दे विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इफ मैट्रिक्स इज लूज इट विल फ्लो। तो आप समझ रहे होंगे कि हार्ड अगर हमारी बॉडी में कुछ है, हार्ड से रिलेटेड है, इफ इट से हार्ड थिंग्स सो दैट इज आवर बोन। और जब भी हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की, तो वील टॉक अबाउट ब्लड। तो जो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स क्या है, ये जनरली प्रोटीन फाइबर्स है, और फाइबर्स है तो ये नॉन लिविंग होंगे, लिविंग सेल्स नहीं होंगे, ये नॉन लिविंग होंगे। और ये आपके जो मैट्रिक्स है ये जेली शेप, जेली की तरह हो सकता है, जेली आपने देखा होगा चिपचिपा, और फ्लूइड हो सकते हैं लाइक योर वाटर एंड मिल्क, और डेंस हो सकते हैं और रिजिड। डेंस और रिजिड का मतलब दे विल बी हार्ड। रिजिड मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डनेस। ठीक है, तो जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में और जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा एविडेंट वाइड स्प्रेड है। ठीक है, और एंड वेरीड ऑफ ऑल टिश्यू टाइप बॉडी इट ऑल्सो हैज द वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ फंक्शन। तो सबसे ज़्यादा फंक्शन अगर हमारी बॉडी में कोई टिश्यू करता है तो वो सब आप पढ़ेंगे भी आगे डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज, और आप देखेंगे इसके 6-7-8 टाइप्स के बारे में हम लोग वन बाई वन बात करेंगे। हालांकि मिली 3 टाइप का है और इसमें सब ग्रुप्स भी। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे एविडेंट मीन्स सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू, वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी में, हर एक पार्ट्स में ये है, और लॉट्स ऑफ वेराइटी। और ये सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है हमारी बॉडी का वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है बेटा, इट इज़ योर बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यू। और ये मैट्रिक्स के डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग इट कैन बी इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन लाइक आवर स्केलेटन, ने बोन्स की बात की थी, ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। तो ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है और ये आपकी बॉडी में
जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का वो भी, और सबसे जरूरी चीज़ जो मूवमेंट हमारी बॉडी की होती है, ठीक है, इसमें बोन्स और लिगामेंट्स जो हैं उनका भी वो भी दे आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो डिपेंडिंग ऑन, मैं आपसे कई बार 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 कह रहा था कि नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा है, इस पर आपके जो टिश्यू हैं, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन टाइप का है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट एंड एडिपोज। आज हम टेंडन और लिगामेंट पे बात करेंगे। स्केलेटल टिश्यू आपका सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें क्या क्या आते हैं, कार्टिलेज और बोन्स। तो आपने नाम सुना होगा कार्टिलेज का, बोन तो आपके लिए कोई नया होगा नहीं। उसी तरह वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर आपने देखा प्लांट में जब वेस्कुलर आया था, तो वेस्कुलर टिश्यू आपके जाइलम फ्लोएम है, और इनका मेन फंक्शन क्या था बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइक वाइज इन एनिमल टिश्यू जो वेस्कुलर टिश्यू है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का है, और उसके लिए आपके पास कौन है, ब्लड है और लिम्फ्स है। तो हम ब्लड के कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे और हम लिम्फ की भी बात करेंगे कि क्या है इनके इनकी इनका मेन फंक्शन क्या है बेटा। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चनायर पे, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ऑक्रेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये स्केलेटल जो हमारे बॉडी का है, ब्लड है, लिम्फ्स है, दीज आर द प्लेसेस वेयर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड, दीज आर द योर वेयर दीज फ्लोज, जहाँ ब्लड है। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड के जो सेल्स हैं दे विल फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, बाइंडिंग और पैकेजिंग, उस पर हम लोग बात किए हैं। और डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा, आपको याद करना होगा, ठीक है। सिंपल है, एक एक आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करता है, दैट इज ब्लड और लिम्फ। तो एक डिफरेंट टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के, तो आप करिएगा। तो अगली वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे जो आपके डिफरेंट जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वन बाय वन हम एक एक करके सारे कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।